शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा का जो विषय है वह है भाषा शिक्षण की श्रवण भाषण विधि, जिसे हम श्रव्य भाषण विधि भी कहते हैं। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर ग्रीस कुमार तिवारी, जो शिक्षा विभाग महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हैं। मैं तिवारी जी का इस स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार डॉक्टर त्रिपाठी। और तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि श्रवण भाषण विधि का संप्रत्यय क्या है। सर्वप्रथम आप ये बताएं, इससे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। डॉक्टर त्रिपाठी, जैसे ही हम इस पद को सुनते हैं श्रवण भाषण विधि, तो हमारे मस्तिष्क में तुरंत यह बात घर करती है कि इसका आशय कहीं ना कहीं जी सुनने और बोलने से है जी। इसी संदर्भ में इस विधि की बात की जाती है जी। इस विधि को हम श्रवण भाषण विधि, श्रव्य भाषण विधि जी, श्रव्य भाषिक विधि आदि के नाम से भी जानते हैं जी। अब इस विधि में वास्तविक रूप से भाषाई संरचना को सुनिश्चित करने के लिए जी बल दिया जाता है, या भाषाई संरचना के सुनिश्चित अभ्यास पर बल दिया जाता है। इसलिए हम इस विधि को संरचना विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हम संरचना की बात कर रहे हैं जी। हम किसी भाषा विशेष की क्या संरचना है, कैसे उसमें वाक्य का निर्माण होता है आदि तथ्यों की बात करते हैं। हमारा मुख्य ध्येय ही यही होता है कि हम विद्यार्थियों को संरचनागत अभ्यास, मुझे लगता है कि भाषा को एक जो भाषा की संरचनात्मक परिभाषा है उस आधार पर इस विधि का प्रयोग होता होगा, ऐसा आप कह सकते हैं। तो संरचना विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि इसमें संरचना की बात की जाती है जी। इस विधि में मुख्यतः भाषा को सुनकर समझना एवं बोलना सिखाया जाता जी। है। श्रव्य यानी सुनना, भाषण यानी बोलना जी। तो सुनकर आप किसी अन्य माध्यम से, वो माध्यम तकनीकी भी हो सकता है, वो माध्यम मानवीय भी हो सकता है, वो माध्यम अन्य जो हमारे इस वातावरण में जो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनकी आवाज को भी हम सुनते हैं और हम सुनकर बताते हैं कि ये कोयल की आवाज है या ये मैना की आवाज है या ये शेर की दहाड़ है या हाथी की चिंघाड़ है आदि आदि। तो हम सुनकर और समझते हैं। तो सुनकर समझना और फिर बोलना मैंने तक छोटे बच्चों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकते। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये छोटे बच्चों के लिए काफी उपयोगी है। इसकी शुरुआत पर जब हम चर्चा करेंगे जी, जी। तो कहानी कुछ ठीक उल्टी हमें देखने को मिलेगी, तो उस पर हम अभी बाद में आते हैं जी, जी। इस प्रकार भाषा शिक्षण की वह विधि जिसका मुख्य उद्देश्य भाषा को बोलना एवं सुनकर समझना सिखाना होता है, उसे श्रव्य भाषण विधि या श्रव्य भाषिक विधि या श्रवण भाषण विधि या संरचना विधि कहते हैं जी। इस विधि की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय से मानी जाती है। अच्छा। ये नई विधि नहीं है, ये आज की खोज या जो आज नवाचार हो रहे हैं जी, जी। वो नहीं है, ये काफी पुरानी विधि है और इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय से मानी जाती है। इसका इतिहास काफी रोचक लगता है। काफी रोचक है। मैंने आपको बताया अभी कि जैसे ही हम इसकी शुरुआत में जाएंगे तो कहानी जो आपने कहा कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, वो थोड़ी उल्टी हमें लगेगी। थोड़ी क्या, वो पूरी उल्टी ही लगेगी जी। तो अभी हम चर्चा करते हैं इस पर। जब अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा जी, तब उसने अपने सैनिकों को विभिन्न देशों में भेजना शुरू किया जी। अब मान लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात हम नहीं करते, हम ही आज किसी अन्य देश में जाते हैं और हमें वहां की भाषा नहीं मालूम है जी, हम क्या करेंगे? हम उस देश में जाकर कुछ नहीं कर पाएंगे जी। एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, जब मैं फ्रेंच कक्षाओं में फ्रेंच सीखने के लिए जाता था तो जो हमारी शिक्षिका थी उन्होंने फ्रांस यात्रा की अपनी एक घटना का वर्णन हम लोगों से किया था जी। कि उन्हें चीनी चाहिए था और इत्तफाकन
चीनी के लिए फ्रेंच भाषा में जो शब्द है वो दुकान पर जाकर भूल गई। अब वो उससे सुगर मांग रही है जी, लेकिन जो दुकानदार है वो शायद सुगर समझ रहा हो या नहीं समझ रहा हो, लेकिन उन्होंने दुकानदार ने चीनी नहीं दी तब तक जब तक कि उन्होंने इशारे से संकेत नहीं किया कि मुझे वो चाहिए। जी, इसके पीछे का जो उन्होंने कारण बताया था वो कारण थोड़ी सी भाषागत जो विद्वेष है जी उस पर भी निर्भर है, उनका जो मानना था, लेकिन हम इसको भी मान सकते हैं कि शायद उसे सुगर ना पता हो अंग्रेजी भाषा में कि चीनी और सुगर और जो फ्रेंच भाषा में उसके लिए शब्द ये तीनों एक ही है, तो हम बेकार हैं उस देश के लिए, हम वहां हमारे जीवन पर संकट आ जाएगा अगर हम उस देश की भाषा को नहीं जानते। तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने सैनिकों को विभिन्न देशों में भेजना शुरू किया और साथ ही साथ उन्हें उन देशों के अनुकूल तैयार करना भी प्रारंभ किया। तैयार करने में जो सर्वप्राथमिक बात को उसने ध्यान रखा, जो सबसे प्रथम कार्य उन्होंने किया अपने सैनिकों को दूसरे देश के अनुकूल तैयार करने में, उसे वहां की भाषा सिखाई, उन्हें वहां की भाषा की काम चलाऊ जानकारी दी, क्योंकि युद्ध का संकट था तो पूरी तरीके से भाषा सिखाई भी नहीं जा सकती है, तो काम चलाऊ जानकारी ताकि वो उस देश में जाकर अपना निर्वाह कर सके, दैनिक जीवन से संबंधित चला सके, वो जानकारी उन्हें दी। इस क्रम में जो तत्कालीन भाषा वैज्ञानिक हुए जैसे कि पेंज, बोंज, सपीर, ब्लूमफील्ड आदि जो वैज्ञानिक हुए, इन लोगों ने मिलकर आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। जी, उस कार्यक्रम का नाम ही रखा गया आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य था सेना के जवानों को अल्प समय में श्रवण एवं उच्चारण के अनुकरण अभ्यास द्वारा भाषा का काम चलाऊ ज्ञान प्रदान करना। अच्छा, यही से भाषा शिक्षण के श्रव्य भाषण विधि को जन्म मिला, क्योंकि सिखाने की जो विधि थी वो था श्रवण एवं उच्चारण के अनुकरण अभ्यास, यानी आपको उस भाषा के जो मूल वक्ता है उनका उच्चारण सुनना है और फिर उच्चारण करना है, सुनना है, उच्चारण करना है जी। आप इस क्रम में उसके अर्थ को भी समझ जाएंगे कि किस अर्थ में किस शब्द का प्रयोग होता है जी। इस प्रकार से सेना के जवानों को काम चलाऊ ज्ञान प्रदान किया गया और इसमें जो विधि का प्रयोग किया गया श्रवण एवं उच्चारण, उसी विधि के नाम पर इसको इस विधि को श्रव्य भाषण विधि या श्रवण भाषण विधि या श्रव्य भाषिक विधि कहा जाने लगा। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हालांकि वो नाम बहुत प्रचलित नहीं है जी। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए क्योंकि किसी भी संप्रत्यय को जितने नामों से जाना जाता है वो जानना हमारे लिए आवश्यक होता है, ताकि अगर वो संप्रत्यय किसी अन्य नाम से हमारे सामने आ जाए तो हमें भ्रम का शिकार ना होना पड़े कि अरे ये चीज तो हम जानते ही नहीं है, ये कहां से आ गया, कौन सा संप्रत्यय है। उसे सैनिक विधि के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सैनिकों को सिखाने के लिए प्रारंभ किया गया। जो आपने अभी कहानी बताई जी, उस नाम से मुझे लगता है इस नाम से उसकी पूरी कहानी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, शायद क्योंकि ये सैनिकों के लिए ही शुरू किया गया था इसलिए इसे सैनिक विधि कहा गया। अब सवाल ये उठता है जी कि इस विधि के पीछे क्या मान्यता है, क्यों भाई द्वितीय विश्व युद्ध को बीते हुए एक समय हो गया। ये कहानी 1939 के आसपास की है। जी, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 45 तक मानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना 39 में शुरू हुई और सन 1945 में खत्म हुई जी। तो 1945 बीते हुए भी 60 साल तो हो ही गए, 60 से अधिक ही हो रहे, लेकिन 60 साल की अवधि भी कम नहीं होती। ये सभी विधियों के पीछे कुछ मान्यताएं हैं, कुछ विचार हैं, जिन्हें हम आइडियोलॉजी या अप्रोचेस कहते हैं। अगर हम आज भी इस विधि को
रखे हुए हैं, हम पठन पाठन में इस विधि को पढ़ रहे हैं, हमारे पाठ्यक्रम में इस विधि का जिक्र है और कहीं ना कहीं इस विधि का प्रयोग भी हो रहा है, कम ही हो रहा है लेकिन हो रहा है अगर, तो इसके पीछे क्या मान्यता कार्य करती है, क्यों आज ये विधि है हमारे सामने। तो इसकी मान्यताओं को देखा जाए तो सबसे पहली मान्यता जो मैंने पहले भी चर्चा की कि भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति ही महत्वपूर्ण है। तमाम भाषा वैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि भाषा का मौखिक रूप ही पूर्ण है, लिखित रूप उस मौखिक रूप का ही प्रतिनिधित्व करता है। अगर मौखिक रूप ना हो भाषा का तो लिखित रूप शायद अस्तित्व में न रहे। ये प्रथम रूप के रूप में जाना जाता है क्योंकि हमारे मस्तिष्क में जो विचार है हम उसकी अभिव्यक्ति बोलकर ही करते हैं। ये भाषा वैज्ञानिकों का मानना है। बाद में उसका लेखन कार्य होता है, लिखित रूप उस मौखिक रूप का ही वो प्रतीक मानते हैं, कहते हैं कि भाषा का लिखित रूप उसका वास्तविक परिचय नहीं है। अतः भाषाई कुशलता के विकास में इस तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक होता है और यह विधि श्रवण भाषण विधि या श्रव्य भाषण विधि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में पर्याप्त रूप में सहायक। दूसरी बात या दूसरी मान्यता जी, भाषा अभ्यास जनित है। भाषा शिक्षण में विविध अभ्यासों की सहायता से विद्यार्थी में भाषाई कौशलों को सुदृढ़ किया जाता है जी, जिससे वह सहज रूप से भाषा का प्रयोग कर सके जी। और इस विधि में भी श्रवण एवं उच्चारण के अनुकरण अभ्यास की बात की गई है। तो इसलिए यह विधि प्रयोग में है आज, या मान्यता है कि अभ्यास जनित है और अभ्यास जनित होने के कारण इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी मान्यता की अगर हम बात करते हैं तो भाषा सिखाने की बात करता है ये और उसके तात्पर्य की बात करता है। तीसरी मान्यता यह कहती है कि भाषा सिखाने से तात्पर्य होता है भाषा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर अधिकार प्रदान करना, अर्थात विद्यार्थी भाषा का प्रयोग कर सके। विभिन्न व्यवस्थाओं पर अधिकार प्रदान करना मतलब उस भाषा का वो प्रयोग कर सके, तभी तो उसका अधिकार होगा उस पर, न कि भाषा के संबंध में जानकारी प्रदान कर देना। जानकारी देना भाषा सिखाना नहीं है जी। तो ये मान्यता इसकी तीसरी है कि भाषा सिखाने से तात्पर्य भाषा की विभिन्न व्यवस्थाओं पर अधिकार प्रदान करना, न कि भाषा के संबंध में जानकारी देना। भाषा सिखाना और भाषा के बारे में चर्चा करना जी, ये दोनों दो भिन्न बातें हैं। चौथी मान्यता, भाषा का वास्तविक रूप उस भाषा के साहित्यिक पुस्तकों में नहीं होता जी। तो फिर होता कहाँ है, ये प्रश्न उठता है जी, जी। कि अगर साहित्यिक रूपों में नहीं होता है, साहित्य की पुस्तकों में नहीं होता है तो कहां होता है जी। तो जो इस विधि के समर्थक है उन्होंने कहा कि भाषा का वास्तविक रूप तो उसको बोलने वाली जनता के पास होता जी। है, कहा भी गया है, सत्य है कि अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं, कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए बांग्ला भाषा सीखना चाहते हैं, तो आप पुस्तकों के अभ्यास के बजाय उस क्षेत्र में चले जाइए, वहां चाय की दुकान के पास, वहां पान की दुकान के पास, या जहां भीड़ जमा होती है वहां खड़े हो जाइए और सिर्फ उनको बोलते हुए सुनिए, आप बांग्ला भाषा बोलना और समझना दोनों सीख जाएंगे जी। डॉक्टर ग्रीस, और मेरा अपना भी अनुभव रहा है, मैं मुझे भी बांग्ला भाषा की जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो इसी कारण से है। तो मेरा स्वयं का अपना अनुभव है कि भाषा की वास्तविक जानकारी तो उसको बोलने वाली जनता के पास ही है। व्यवहारिक जीवन में हम कैसे किस शब्द का कब प्रयोग करेंगे ये तो हम बिना सुने साहित्य की पुस्तकों में पढ़कर नहीं जान सकते। एकदम मैं सहमत हूँ इस बात से कि भाषा की सही जानकारी बोलने वालों के बीच में मिलती है, और कहा जाता है नेटिव स्पीकर जिसे कहते हैं कि जो सही उस भाषा का जो सदस्य है, भाषा भाषी समूह का, उसके पास अगर हम रहते हैं तो आसानी से और जल्दी से भाषा सीख जाते हैं। इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ आपकी। अब हम इसकी अगली मान्यता पर आते हैं और ये देखते हैं कि अगली मान्यता यह कहती है कि प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से भिन्न है।
तो भाषा शिक्षण करते समय जब हम भाषा सिखा रहे हो तो इन भिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। और इसीलिए यह विधि जो है, चूंकि श्रवण एवं उच्चारण का अभ्यास कराती है, तो यह अपनी मातृभाषा में नहीं बल्कि जो भाषा सीखने की बात करता है वो उसी भाषा के शब्दों को सुनाता है, उसी भाषा के वाक्यांशों को सुनाता है या वाक्यों को सुनाया जाता है और उसका उच्चारण कराया जाता है। तो इस प्रकार से भिन्नता की जो बात है वो इसमें ध्यान रखी जाती है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो इस भाषा के संदर्भ में या भाषा शिक्षण की इस विधि के संदर्भ में, कर लीजिए भाषा के संदर्भ में नहीं बल्कि भाषा शिक्षण की विधि के संदर्भ में प्रयोग में लाई जाती है या प्रचलन में है। जी सही कहा डॉक्टर ग्रीस, सभी विधियों के पीछे कुछ मान्यताएं हैं। आपने बहुत ही सरल तरीके से इस विधि की मान्यताएं बताई हमको। मैं आगे जानना चाहूँगा कि इस विधि की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि भाषा के बारे में सीखना भाषा सीखना नहीं है, भाषा सीखना है। अगर हमारे शिक्षक इस विधि से पढ़ाना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हालांकि कोई निश्चित प्रक्रिया, जो आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो कोई निश्चित प्रक्रिया कहीं पुस्तकों में बद्ध नहीं है, कहीं इसका जिक्र नहीं है कि श्रवण भाषण की विधि की जब हम बात करेंगे तो हमको इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, इन्हीं सोपानों का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसका आरंभ जो है वाक्य संरचना से होता है, जैसा कि मैंने कहा कि संरचनागत अभ्यास की बात हम इसमें करते हैं, तो इस विधि का आरंभ जो है, जो भी पाठ हमें पढ़ाना हो उसका आरंभ हम वाक्य की संरचना से करते हैं। अर्थात हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि वाक्य की संरचना क्या है। फिर विद्यार्थियों को संरचना बताने के साथ साथ ही जो शब्दावली प्रयोग की गई होती है या जो ध्वनियां प्रयोग की गई होती है उसको भी हम बताते हैं। शब्दावली या ध्वनियों को हम अलग से नहीं बताते हैं बल्कि संरचना समझाते समय ही हम शब्दावली और ध्वनि को बताते चलते हैं। वाक्य संरचनाओं के अभ्यास के साथ ही साथ उन्हें शब्दावलियों और ध्वनियों का भी अभ्यास हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ समझा भी रहे हैं और एक साथ अभ्यास भी करवा रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है। अभ्यास किए गए वाक्य संरचनाओं के आधार पर हम विद्यार्थियों के मध्य वार्तालाप करवाते हैं। हम कोई एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं या विद्यार्थियों को एक ऐसी परिस्थिति देते हैं जिस परिस्थिति में विद्यार्थी आपस में पढ़ाई गई वाक्य संरचना, जो वाक्य संरचना उन्हें सिखाई गई है उसके आधार पर बात कर सके। बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास आप पेशेंट बन के गए, तो डॉक्टर और पेशेंट में जो वार्तालाप होता है वो कैसे होगा, जो वाक्य संरचना आपने सीखी उसके आधार पर आप वार्तालाप करें आपस में। इसमें रोल प्लेइंग प्रविधि का भी प्रयोग किया जा सकता है। रोल प्लेइंग इसको हम ठीक ठीक इसलिए नहीं कह सकते, इसको नहीं, इसकी जो टेक्निक है उसको प्रयोग कर सकते, थोड़ा सा कर तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वो इससे अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें अभिनय भी करना होता है और विद्यार्थी जब सीख रहा होता है तो उसका ध्यान उस समय अगर अभिनय पर चला जाएगा तो फिर वाक्य संरचनाओं के लिए वो सोचने लगेगा। क्योंकि वो वाक्य संरचनाएं उसके दिमाग में घर नहीं की हुई है, अभी वो उसकी अभ्यास में है, उसका मस्तिष्क उसके लिए आदि नहीं है, तो उसको सोचना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर सिर्फ हम वार्तालाप करवाते हैं ताकि वो वाक्य संरचनाओं को सोचकर उसका प्रयोग कर सके। अभिनय पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो एक ओर से ध्यान पटक जाएगा, हालांकि किया जा सकता है लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि इसकी सीमा यहाँ पर हो सकती है। वार्तालाप के दौरान विद्यार्थियों में श्रवण एवं भाषण कौशल का विकास हो जाता है। अब आगे ये देखा जाए कि इस वार्तालाप में कई बार क्या होता है कि जो वाक्य संरचनाओं की आवृत्ति होती है वो कई बार स्वाभाविक रूप से, या कोई विद्यार्थी उस भाषा को ज्यादा जान जाता है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, तो वो कुछ नई वाक्य संरचनाओं का भी प्रयोग करने लगता है जो अन्य विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा हानिकारक कहने होता है या उन्हें नहीं समझ में आता है। तो हम यहाँ पर नियंत्रित वाक्य संरचना के अभ्यास की बात करते हैं। हम वार्तालाप तो करवाते हैं लेकिन हमें उसमें यह नियंत्रण रखना होता है कि जो वाक्य संरचना उन्हें सिखाई गई है
उसी वाक्य संरचना का वो अभ्यास करे। शिक्षक का यहाँ एक रोल ये होता है कि वो नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता, काम करता है। होता है जी। अब हर एक विधि की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, तो उसी प्रकार से श्रव्य भाषण विधि की भी विशेषताएं हमें देखने को मिली हैं। जी जी। कुछ सीमाएं इसकी भी है। ये सीमाएं कौन कौन सी? तो पहली चर्चा तो हमें लगता है कि चूंकि हमारा समाज जो है जी, वो अच्छाई को अधिक पसंद करता है जी, जी, और बुरी चीजों से थोड़ा या कमजोर पक्षों से थोड़ा बचना चाहता जी, जी, है, तो पहली चर्चा हम मजबूत पक्षों या सबल पक्षों पर नहीं, उसकी आवश्यकता है क्योंकि हमारे शिक्षकों को इसका प्रयोग करना है, तो उसकी विशेषताएं भी जाने, विशेषताएं पहले जानते हैं फिर सीमाओं पर आते हैं जी। तो जो समाज की एक परिपाटी चली आ रही है उस पर ही हम पहले चलते हैं जी जी। तो यह विधि वार्तालाप के आधार संरचनाओं के अनुकरण जी तथा स्मरण पर विशेष बल देती है। जो आधारभूत संरचना है वाक्य की उसका अनुकरण करवाती है, जो सीखा उसको आपको बार 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 बोलना है और बार बार उसका अभ्यास करने से उसका स्मरण स्वतः हो जाता है। ये मिलिट्री से आने से इसका ड्रिल पे ज्यादा प्रभाव, ड्रिल पे ज्यादा कह सकते हैं कि इसका प्रैक्टिस पर अभ्यास पर ज्यादा बल दिया गया है इसमें। अतः विद्यार्थियों को वार्तालाप में प्रयुक्त वाक्य संरचनाओं का पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर मिलता है जी। परिणाम स्वरूप विद्यार्थी कृत्रिम परिस्थिति में तो वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करते ही हैं, स्वाभाविक परिस्थिति में चूंकि अभ्यास इतना ज्यादा हो जाता है, इतना अधिक अभ्यास हो जाता है कि वो उनके कहते ना कि वो आत्मसात हो जाती है चीजें और आवश्यकता पड़ने पर अपने आप बाहर आने लगती है, कुछ इस तरह की बात होती है, और वो सहजता से अपने वार्तालाप में उन वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करने लगता है। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं, आज गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग ये हमारी भाषा शैली में इतना ज्यादा घुल मिल गया है कि हमें प्रणाम नमस्कार और नमस्ते कहने के लिए सोचना पड़ता है कि हमें किसे प्रणाम करना है, किसे नमस्कार कहना है और किसे नमस्ते कहना है, लेकिन गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग अनायास निकलते आता है जी, जी। और उसके लिए हमें सोचना भी नहीं, घड़ी नहीं देखनी पड़ती कि अच्छा 11 बज रहे हैं अभी गुड मॉर्निंग कहना है, हमें देखना नहीं पड़ता है, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग अनायास ही वो निकलते रहता है। तो ये अभ्यास के कारण ही, कुछ ऐसा अभ्यास ही हमारी शिक्षण पद्धति ने हमें करा दिया है कि हम प्रणाम नमस्कार नमस्ते भूलते जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मानसिक अभ्यास की बात है। तो खैर भूलने और याद करने की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं कि क्या भूले क्या याद करें, अभ्यास के कारण वो चीजें हमें आत्मसात हो जाती है और फिर वो स्वाभाविक परिस्थिति आने पर सहजता के साथ अपने आप निकलने लगती है। तो विद्यार्थी सहजता के साथ वाक्य संरचनाओं का प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं जी। फिर बात करेंगे कि भाषा का मौखिक अभ्यास करने से विद्यार्थी के शब्द भंडार में पुस्तकीय भाषा के शब्दों के साथ साथ जो दिन प्रतिदिन की बोलचाल में प्रयुक्त भाषा है उसके शब्द भी समाहित होने लगते हैं, और ये अधिक आवश्यक है कि व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हमारे शब्दकोश में हो जी। क्योंकि हम अपनी भाषा का प्रयोग तो इसी समाज में करते हैं, पुस्तकीय भाषा तो पुस्तक में लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, दैनिक जीवन में हमें जिससे संप्रेषण करना है अगर वो हमारी भाषा न समझ पाए तो उस संप्रेषण का कोई मायने नहीं होता है। तो हमारी भाषा में बोलचाल के शब्दों का होना जी जरूरी है। अब अगर कोई भोजपुरी भाषी है और वो आके कहता है, किसी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब पेटवा बहुत बथता, और उस डॉक्टर को ये बथता का मायने अगर नहीं पता है जी जी, तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? असंभव है। डॉक्टर पेट दर्द तो जानता है कि दर्द कर रहा है, लेकिन बथना का मतलब या पेटवा हौलता मरोड़ता अगर ये डॉक्टर को नहीं पता है कि इन सब का मतलब है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कैसे इलाज करेगा? ये विभिन्न शब्द टाइप्स भी बताते हैं। हाँ, वो तो अलग बात है कि ये जो बथना मरोड़ना हौड़ना या ऐठना, ये सारे जो शब्द है वो दर्द के अलग अलग प्रकार को बताते हैं, और ये इतने रिच है कि आपको इसके लिए कोई अल्ट्रासाउंड या कोई इंडोस्कोपी की जरूरत नहीं पड़ती है, बीमारी अपने आप कह देती है कि इसको किस प्रकार की बीमारी। चिकित्सा की भाषा में शब्द नहीं है। जैसे पेट मरोड़ना, तो इसका 90% ये होता है कि सामने वाले बीमारी, सामने वाले व्यक्ति को पेचिस है जी। तो बहरहाल हमारा ध्यान उस पर न जाए, नहीं केंद्रित करना है हमें कि कौन से शब्द जो है किस सिम्टम को बताते हैं, बल्कि हमारा ध्यान इस पर है कि बोलचाल की जो भाषा है जी,
उसके शब्द हमारे शब्दकोश में होने चाहिए, तभी हम इस समाज में स्वयं का भी निर्वाह कर सकते हैं और जो हमारी सामाजिक आवश्यकता है उसका भी निर्वाह कर सकते हैं, उसको भी हम संतुष्ट कर सकते हैं। हम पैर जानते हैं और हम गोड़ नहीं जानते हैं तो ये हमारे लिए श्रेयस्कर सामाजिक अंतर्क्रिया के लिए आवश्यक है कि हम शाब्दिक भाषा का सर और माथा दोनों जानना पड़ेगा कि सर को माथा कहते हैं, इसको कपार भी कहा जाता है, तो ये सब हमें जानने पड़ेंगे जी। अन्य विशेषताएं क्या है डॉक्टर तिवारी? भाषाई कौशल के शिक्षण पर इसमें विशेष बल दिया जाता है, ये इसकी अन्य विशेषता है। इस विधि के द्वारा वाचन कौशल का शिक्षण करते समय विद्यार्थी के समक्ष सर्वप्रथम वही सामग्री प्रस्तुत की जाती है जिसे उसने मौखिक रूप से सीख लिया है, यानी यहाँ पर हम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को ज्ञान प्रदान जो करने जा रहे हैं हम उससे संबंधित करते हैं, जो कि अच्छे शिक्षण के लिए एक आवश्यक शर्त मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है कि विद्यार्थी का ध्यान लिपि चिन्ह और ध्वनियों के परस्पर संबंध पर केंद्रित हो जाता है, किस ध्वनि को प्रदर्शित करने के लिए किस लिपि चिन्ह का प्रयोग किया गया है यह जानना बहुत जरूरी है। जैसे आंग्ल भाषा में सी एच ये दो अक्षर मिलकर च ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं और यही सी और एच की ध्वनि जिसको कि फ्रेंच में से और आश के रूप में जाना जाता है, ये दोनों ध्वनि मिलकर वहां लिपि के ये दोनों प्रतीक मिलकर से और आश वहां श ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। तो जो फ्रेंच भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हुए मिशेल फुको, आंग्ल भाषी लोग उन्हें माइकल फुकोल्ट पढ़ने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिलती है। लिपि और ध्वनियों के बीच जितना ही सहज संबंध स्थापित हो जाता है विद्यार्थी में वाचन कुशलता उसी अनुपात में विकसित होती है। इस विधि की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह है कि विद्यार्थी कक्षा के बाहर बिना अध्यापक की प्रत्यक्ष सहायता के भाषाई कौशल अर्जित कर लेता है, क्योंकि वो सुनकर समझना सीख गया होता है। तो जैसे ही वो कक्षा से बाहर आता है उसके वातावरण में जो कुछ भी उच्चारण होता है वो उसको सुनता है और सुन को समझता है, इससे उसका भाषाई ज्ञान विकसित होता है। विद्यार्थियों को भाषा के व्यवहार का पर्याप्त अवसर भी यहाँ प्रदान किया जाता है, क्योंकि श्रवण के साथ उच्चारण की भी बात की गई है, उसका भी अभ्यास कराया जाता है। विभिन्न भाषाई कौशल पर स्वामित्व स्थापित करने के पश्चात विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में उसका सफलता से प्रयोग करने में भी सक्षम हो जाता है, क्योंकि उसको कृत्रिम परिस्थितियों में वार्तालाप का भी अभ्यास कराया जाता है और उस अभ्यास के परिणाम स्वरूप वो वास्तविक परिस्थितियों में भी अभ्यास करने में सक्षम हो जाता है। इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं श्रव्य भाषण विधि की। बहुत सही डॉक्टर तिवारी, मैं अब जानना चाहूंगा कि इस विधि की सीमाएं क्या हैं। ये आपने ठीक बात की, क्योंकि मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप इसको बताएं। सीमाएं जो है विशेषताएं बिना सीमाओं के अधूरी हो जाती है, तो सीमाओं की अब हम बात कर लेते हैं। यह विधि एक यांत्रिक विधि है, यह इसकी सबसे बड़ी सीमा है। वाक्य संरचनाओं का निरंतर अभ्यास करना और फिर उसके आधार पर वार्तालाप करना और उन्हीं वाक्य संरचनाओं का बोलना जो हम सीखे हैं, बड़ी नीरस प्रक्रिया हो जाती है और इस कारण ये पूरा लगता है कि व्यक्ति मशीन हो गया और सब कुछ मशीनी ढंग से कर रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी सीमा है कि यह एक यांत्रिक विधि है। दूसरी बात, विद्यार्थी के जिज्ञासा अथवा उसके मन में जो प्रश्न उठते हैं, अचानक से कोई प्रश्न आ गया या उसकी रुचि जो है उसके लिए इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। तीसरी बात, इस विधि की सफलता अध्यापक की विशिष्ट योग्यता पर निर्भर करती है। अध्यापक कितना योग्य है, उसकी कार्यनिष्ठा कितनी है, वो मानसिक रूप से कितना तत्पर है पढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों पर, इन सारे तथ्यों पर इस विधि की सफलता निर्भर करती है। इस विधि में भाषा के व्याकरणिक नियमों का कोई उल्लेख नहीं होता है। विद्यार्थी को स्वयं ही वाक्य संरचनाओं के आधार पर जो नियम है उसमें सम्मिलित उसको ढूंढना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है और उसका सामान्यीकरण करना पड़ता है।
अब जो विद्यार्थी सामान्य मानसिक योग्यता रखने वाला है वो इस काम में सफल नहीं हो पाता है, वो असमर्थ हो जाता है, और जो तीव्र मानसिक योग्यता वाले या असाधारण मानसिक योग्यता वाले विद्यार्थी हैं वही इस काम में सफल हो पाते हैं। तो इसलिए ये विधि जो है वो सारे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं हो पाती है। समय सापेक्ष है, इसमें बहुत ज्यादा समय का व्यय करना पड़ता है क्योंकि बार बार अभ्यास में समय की आवश्यकता होती है और यहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना होना पड़ता है जो कि कक्षा के सीमित समय में संभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान न देने के कारण भी इस विधि की सफलता जो है वो संदेहास्पद हो जाती है। इस प्रकार से डॉक्टर त्रिपाठी हम लोगों ने आज अपने विद्यार्थियों को अपने दर्शकों को बताया कि श्रव्य भाषा विधि का आशय क्या है, इस विधि की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रक्रिया है, विशेषताएं क्या है आदि तथ्यों पर हम लोगों ने चर्चा की। धन्यवाद डॉक्टर गिरीश तिवारी। मैं स्टूडियो की तरफ से अपने शिक्षार्थियों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस टेक्निकल टॉपिक जो एक कठिन विषय है हमारे लिए उसको इतने सरल और सहज तरीके से उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।